देहरादून रेलवे स्टेशन पर विशेष समुदाय की नाबालिग लड़की को साथ ले आया हिंदू युवक, दो पक्षों में बवाल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी। बड़ी खबर इस समय देहरादून से सामने आ रही है, जहां देर रात रेलवे स्टेशन पर दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि पथराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। देहरादून पुलिस के मुताबिक बदायूं उत्तर प्रदेश के संप्रदाय विशेष की नाबालिग लड़की घर पर बिना बताए हिंदू युवक के साथ देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची थी, लेकिन रेलवे पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ करके लड़की के परिजनों को सूचना दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक इसी बीच दो समुदायों के लोग रेलवे स्टेशन आ पहुंचे। विवाद के साथ ही कुछ देर बाद पथराव भी शुरू हो गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। वहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून पुलिस कप्तान अजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस बल के साथ देहरादून की सड़कों पर स्थिति का जायजा लिया। दूसरी तरफ लड़की के परिवारजन एवं यूपी पुलिस देहरादून के लिए निकल चुके हैं। इस घटना का अलग अलग संप्रदाय से संबंधित होने के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी किया गया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। एसएसपी देहरादून स्वयं पुलिस बल के साथ इलाके में गश्त पर हैं। अराजकता फैलाने का प्रयास करने वालों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। इस प्रकरण में कोतवाली नगर देहरादून में संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है व पुलिस द्वारा घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज व वीडियो खंगाले जा रहे हैं। Thank you.